हेलो एंड वेलकम टू प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट। कैसे हो तुम लोग? आज हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 पर, और ये क्वेश्चन पूरी तरह जुड़ा हुआ है क्वेश्चन 1 से। वहां क्या था क्वेश्चन? यही सारे ऑप्शंस थे, वहां भी सेम ऑप्शंस थे। बोला था कि हमें बताओ बिना कैलकुलेट किए कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। क्या डिस्कस किया था कि भाई रैशनल नंबर को जब तुम डिवाइड करने बैठोगे तो या तो उसका आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आता है, यानी खत्म नहीं होता लेकिन रिपीट होता रहता है, जैसे 0.666 आया था ठीक है लास्ट वीडियो में। तो यहां यही बोला है। अब सेकंड क्वेश्चन में आ गए। अब ये बोल रहे हैं कि याद करो तुमने पहले सवाल में बताया था कि किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और किसका नहीं है। अब जाकर हमें परेशान करते हैं, बोलते हैं कि जिनका टर्मिनेटिंग आया था ना उनकी वैल्यू भी बता दो। तो पहले सवाल में कह देते है कि नहीं, पर कोई बात नहीं, अब बोल रहे हैं तो हम अब कर देते हैं। चलो सुनो क्या रूल होता है कि भैया अगर ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ठीक है, अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के टर्म्स में है, यानी 2 आ रहा है 5 आ रहा है, इनकी पावर कुछ भी पॉजिटिव है या जीरो हो सकती है, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है यानी डिवाइड करने में जो क्वोशेंट आता है उसकी वैल्यू टर्मिनेट होती है ठीक है। देख लेते हैं, तो याद होगा अगर तुमको मेरे साथ में वीडियो देखी होगी तो ये है साहब 5 की पावर 5, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा इसका ठीक है। ये है 2 का क्यूब, 8 होता है क्यूब 2 का, सॉरी क्यूब नहीं साहब 2 का क्यूब, हंसना मत तुम। चलो यानी इसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आएगा 455 को चेक करना पड़ेगा ठीक है। 64 अपॉन 455 क्या रहा है, तो 455 क्या 5 से जाता है, इसके फैक्टर्स निकाल लो, 5 9 45 5 5 7 13 7 आ गया, दिमाग खराब कर दिया सारा, आहा बेकार, यानी मतलब ये नहीं जाएगा ठीक है। 7 आ गया ना, ये 2 और 5 आने चाहिए सर ठीक है, तो 7 आ गया, काम खराब हो गया। 15 अपॉन 1600, तो 15 अपॉन 1600 चेक कर लो, पहले तो लोएस्ट टर्म्स में कर लो, लोएस्ट टर्म्स में होना चाहिए ना 5 3 15, हाँ लोएस्ट टर्म में होना चाहिए, मतलब सबसे छोटा जो भी इसको बना सको फ्रैक्शन को पहले बना लो, फिर चेक करो नीचे 2 और 5 आ रहा है कि नहीं। तो 5 3 15 5 3 15, 110, 5 2 10 और 1 0। अब चेक कर लो 320 को ठीक है, क्या बैठेगा 5 6 30 20 5 4 20, 2 3 6 2 4 2 16 2 8 और 2 4 2 2 1 ठीक है। तो यानी ये लिखा है हमारा, ये आया 3 by 320 को लिख सकते हैं 5 × 2^1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6, यानी ये टर्मिनेटिंग है ठीक है। क्या लिखा है 3 upon 5 × 2^6 ये आया है ठीक है। अभी तो देख रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन नहीं कर रहे, अभी सिर्फ देख रहे हैं कौन टर्मिनेटिंग आएगा कौन नहीं आएगा, शॉर्टकट में देख रहे हैं ठीक है। ये देखो 343 7 का क्यूब होता है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं था, इसमें 2 आ रहा है 5 आ रहा है यानी टर्मिनेटिंग आएगा, इसमें 2 आ रहा है 5 आ रहा है पर 7 ने काम खराब कर दिया यानी टर्मिनेटिंग नहीं है। 6 upon 15 तो इसको भी चेक करना पड़ेगा, 6 by 15 पहले लोएस्ट बना लो, 3 2 6 3 5 15, 2 5 बन रहा है यानी ये टर्मिनेटिंग होगा, नीचे 5 आ रहा है ना, तो 35 by 50 चेक कर लो भाई, 5 7 5 10, तो 10 मतलब 2 × 5 यानी ये होगा 77 by 210, इसको भी चेक कर लो क्या किसी से जा तो नहीं रहा, 7 11 7 3 21 30, 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं साहब 30 यानी 5 6
6 मतलब 6 को ले सकते हैं 2 into 3, तो 3 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो उसने भी काम खराब कर दिया। अब यानी 3 हट गए, बाकी जो बचे उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। अब हम शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशन, ठीक है। अब कैलकुलेशन करने के दो तरीके हैं, कि आंखें बंद करके सीधा डिवाइड करने बैठ जाओ, वहां से भी हो जाएगा, नहीं तो दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल कर लो और वहां से भी हो जाएगा। तो मैं जो तरीका पसंद आए उस तरीके से तुम कर सकते हो। हम थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, हाँ, क्योंकि नींद में तो नहीं है। चलो पहला पहला है 13/3125। तो क्या बोला, 3125 क्या होता है, 5 की पावर 5 होता है 3125। अब तुम एक काम करो, क्या काम करो, देखो यहां पर ऊपर भी 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो और नीचे भी 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो। 2 की पावर 5 कितना होता है, देखो 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 3 2 5, 5 दो गए, 2 2 4, 2 2 4 और 2 2 4 4 16 और 16 2 32, यानी 2 की पावर 5 होता है 32 के बराबर, ठीक है। तो 13 multiply 32, और इसको क्या ले सकते हो, 5 multiply 2 की पावर 5, भाई पावर दोनों की सेम हो गई, ठीक है। आगे देखो 13 और 32 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 + 13 = 32 = 26, 2 कैरी, 13 3 = 39 39 + 2 39 40 41, 4 1 6, अपॉन 5 2 10, और 10 की पावर 5 है, तो क्या बन जाएगा ये, 4 1 6 upon 10 की पावर 5, मतलब 1 2 3 4 5, और नीचे 5 0 होते हैं तो पॉइंट भी 5 डिजिट बाद लग जाता है, यानी 0.00416, 1 2 3 4 5 बाद 5 डिजिट बाद पॉइंट लग गए, ठीक है। मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, चलो नहीं मैं मेंटोस वेंटोस नहीं खाता, तुम ही खाना, कैंडीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। ऑलराइट, लेट्स गो ऑन नेक्स्ट वन। अगला है 17/8, तो 17/8 को भी क्या लिख सकते हो, 8 होता है 2 का क्यूब, अब 2 के क्यूब में 5 का क्यूब मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 5 का क्यूब मल्टीप्लाई कर दो, भाई हमारा मकसद है नीचे कुछ 10 बनाना, 10 की पावर बनाना, ठीक है। अब 10 बनाने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है, यहां 5 था तो 2 नहीं था, पर 2 की पावर 0 थी पहले, तो हमने 2 की पावर 5 खुद से कर दिया, जो भी पावर यहां थी उसी का मल्टीप्लाई कर दिया। सेम चीज यहां 2 है तो 5 नहीं है, 5 की पावर 0 होगी पहले, ठीक है, लेकिन 5 की और कोई पावर नहीं थी जिससे हम 10 बना सकते, तो 2 का क्यूब है तो 5 का क्यूब कर दिया मल्टीप्लाई। अब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना, हमारे घर की खेती नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या बन रहा है, तो ये 17 multiply 125, 5 का क्यूब होता है 125, और नीचे आ गया 10 की पावर 3, 17 का 125 में मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, देखो भाई 125 का 17 में मल्टीप्लाई कर दो 7 by 30 1 छोटे बच्चों के 7 by 30 by 3 7 2 14 15 16 17 1 के 7 1 7 8 5 1 5 2 1 2 1 1, देख रहा है तुमको ये, तो 5 7 8 7 और प्लस 5 किया तो आ गया 12 1 carry 9 10 11 1 carry 2, तो बना 2 1 2 5 upon 10 की पावर 3, यानी 3 0, ठीक है। 3 0 मतलब 0.3 डिजिट बाद आ जाएगा, तो यह आ रहा है 2.125, ठीक है। फिर से मेंटोस मत खाओ पर दिमाग की बत्ती फिर जलाओ, ठीक है। ऑलराइट, चले अगले पर, समझ गए तुम, नीचे 10 बनाओ और बिना डिवाइड के आंसर लाओ, ठीक। ऑलराइट, तो 2 हो गए, चलते हैं फोर्थ वाले पर, थर्ड वाले था भी टर्मिनेटिंग, फोर्थ वाले पर चलते हैं। अरे कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है तुम्हें शॉर्टकट को जानकर, हाँ अच्छा लग रहा है ना, कि हाँ डिवाइड ही करना पड़ रहा है, वाह क्या तकनीक है साहब। चलो 15/1600 था, हमने कहा ये और छोटा हो जाएगा, 5 3 15 कर दिया, 5 3 15 110, 5 2 10 और 1 0 आ गया,
320, ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो 32 × 10, 320 को लिख लो 32 × 10, ठीक है, 3/32 अभी हमने लिखा था 2 की पावर 5 होता है 10, तो एक 5 की पावर 5 भी मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, 5 की पावर 5, हाँ बड़ा नंबर तो बन जाएगा, देखते हैं क्या बनता है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो 5 5 5 5 का क्यूब 125 और 5 5 = 25, तो 125 का 25 में मल्टीप्लाई कर दो कितना आ रहा है, 5 5 = 25, 2 कैरी, 5 2 = अच्छा छोड़ इसको बड़ा हो जाएगा, ऐसे मत छोड़ ऐसे मत, कैसे करते हो, 3/32 है ये, 3/32 है ना, इंटू 10 हो रहा है, तो 3 को 32 से सीधा डिवाइड कर दो, ठीक है, कैसे डिवाइड करोगे, लो 3 को 32 से डिवाइड करो, एक जीरो लगाया पॉइंट लगाया, अभी भी काफी नहीं, एक और जीरो लगाया, ठीक है, या एक और जीरो लगा दिया, अब 300 को 32 से डिवाइड करना है, तो सोचो 32 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 300 आए या 300 से छोटा बने, तो हम कर सकते हैं 5 से करके देख लो एक बार, ठीक है, 5 से नहीं और बड़े से करना पड़ेगा, 8 से करके देखो, 8 2 = 16, 1 कैरी, 8 3 = 24 25, 256 आ रहा है, और आगे चलते हैं और बात बढ़ाते हैं आगे, 9 से, 9 2 = 18, 1 कैरी, 9 3 = 27 28, तो इसी से कर दो 0.09, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई किया 288, 10 में से 8 गया 2 बचा, ठीक है, यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, ये तो 2 हो गया, तो एक फिर 0 लगा, कब तक डिवाइड करें, तब तक डिवाइड करो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग आंसर आना चाहिए इसका, अब 32 में किसका मल्टीप्लाई करें, 120 आए, देखो जरा 4 का करके देखो, 4 2 = 8, 4 3 = 12, बड़ा आ रहा है, 3 का कर दो, 3 2 = 6, 3 3 = 9, ठीक है, तो 96, 10 में से 6 गया 4 बचा, 11 में से 9 गया तो ये बचा 2 नंबर, ठीक है, 240 का मल्टीप्लाई, एक जीरो लगा दिया, अब 32 में किसका मल्टीप्लाई करेगी, 240 आए तो किसका किया जाए 8 का, 7 का करके देखो, 7 2 = 14, 1 कैरी, 7 3 = 21, 22, ठीक है, 7 2 = 20, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 4 गया 6 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 160 हो गया, अब 32 में किसका मल्टीप्लाई करें, 160 आए, एक बार 5 का करके देख लो, 5 2 = 10, 1 कैरी, 5 3 = 15 और 160, तो फाइनली 5 से करने पर 160 आ गया और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, और ये तुम्हारे लिए हो गया इनविजिबल मैन, अब दिख रहा होगा, हाँ तो ये इनविजिबल मैन, ठीक है, और लेट्स गो, तो आंसर आ रहा है 0.09375 अपॉन, एक 10 भी था, ठीक है, 10 की वजह से पॉइंट और इधर आ जाएगा, एक और डिजिट इधर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर होगा 0.009375 और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो भैया हो सकता है कभी कभी ट्रिक, वो ट्रिक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 का जो है 5 बार मल्टीप्लाई करते फिर याद नहीं करते, उससे भी हो जाता है, करके देखो खुद करके देखो, ठीक है, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं देखो, चलो आगे चलते हैं, 4th हो गया, अब आ जाओ 6th पर, देखो 6th भी आसान है, 23/2 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, कमी किसकी है, एक 5 की कमी है, तो ऊपर नीचे ये 5 का स्क्वायर था, हम 5 का क्यूब कर देते हैं, एक 5 का ऊपर एक 5 का नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 5 3 = 15, 1 कैरी, 5 2 = 10, 11 अपॉन 5 2 = 10 की पावर 3, है बनेगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब 115/1000, 115/1000, पॉइंट कहाँ जाएगा, 3 डिजिट 12, 1 2 3, यानी आंसर 0.115, ये भी डन,
ये भी हो गया साहब, उसमें चलते हैं 6 by 15, 6 by 15, ठीक है। तो काट दो पहले 3 2 6, 3 5 15, 2 by 5, इसको करना है क्या मतलब कुछ आराम तिरछम करें इसमें, ये तो सीधा हो जाएगा ना, डिवाइड कर दो 2 को 5 से, ठीक है। 2 छोटा है तो 1 जीरो लगा दो, पॉइंट आ जाएगा, 5 4 20, खत्म, 0.4, वो भी खत्म। अब आखिरी पे आ जाओ 35 by 50, तो मिटा देते हैं हम इसको, यहाँ से मिटाना चालू, 1 2 3 स्टार्ट। ओके बाय बाय बाय, ये तुमसे नहीं कह रहे, इन सवालों से कह रहे, बहुत से तो चले गए होंगे, चलो बाय बाय, हम खुद करेंगे, बहुत से होंगे अभी भी मेरे साथ कर रहे होंगे, हाँ ठीक है, शाबाश। चाहे तुम वीडियो छोड़ के चले गए हो, चाहे तुम साथ कर रहे हो, मैटर ये करता है कि तुमने सवाल किया कि नहीं किया। तुमने सवाल कर लिया तो बढ़िया, चाहे वीडियो के साथ कर रहे हो चाहे वीडियो के बाद कर रहे हो, और नहीं किया तुमने सवाल, चाहे वीडियो देखते हुए भी चाहे वीडियो को देखने बाद भी, चाहे तुम वीडियो को छोड़ कर चले गए और तुमने सवाल नहीं किया है, तो साहब तुम दुनिया में अपने जैसे 20-21 लाख बच्चों से पीछे हो चुके हो। खैर आगे 35 upon 50, देखो 5 7 35, 5 10 50, तो सीधा सीधा है 7 by 10, 1 0 है नीचे, तो पॉइंट भी एक डिजिट बाद आ जाएगा 0.7, हो गया। हमने सभी का डेसिमल एक्सप्रेशन कर दिया जिन जिन नंबर्स का हमसे बोला गया, दैट्स इट, दैट्स मोर, दैट वाज एन इजी क्वेश्चन, इजी पीजी। हां चलो ओके, सी यू गाइस इन लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1.4।